आज के जमाने में मर्द होना एक ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी। अपनी मम्मी के सामने वाइफ से प्यार से बात करो तो जोरू पगला, वाइफ के सामने मम्मी से प्यार से बात करो तो माँ के पल्लू से बंधा हुआ। अपने ही बच्चों को मारो तो निर्दयी, और कुछ ना कहो तो लापरवाह। पूरा दिन घर के बाहर रहो तो आवारा, घर के अंदर बैठो तो नाकारा। अपनी ऋषि से जॉब ना कराओ तो शक्की, और करवाओ तो बीवी की कमाई खाने वाला। बोलो, यही लेडीज को बाय मिस्टेक हाथ भी लग जाए तो हम जालिम, और यही लेडीज अपुन को पीटे तो हम नल्ले। 10 लाख खर्चा कर दिया 4 साल के डिग्री में और आपको जॉब मिलेगा 4 लाख का, ये कैसी इंसाफी है भाई? हाँ जी सर, इस ऑडियो वीडियो एवरीथिंग ओके सर? क्या बोलूं, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। कितना कितना पैसा झोंक रहा हूँ मैं पढ़ाई में, मालूम है? इतना इतना तो खाता है। क्या बनेगा बड़ा होकर, कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? क्या सारी उम्र में घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा? क्यों आया था अपने जमाने, हर मर जाता कहीं, जिंदगी भर आने की जरूरत नहीं है इस घर में, और सामान उसके पास भेजो। और लाइफ में वो करना जो हम करना चाहते हैं, जिससे हमें खुशी भी मिले और खूब सारा पैसा भी कमा सकें और अपने देश को आगे बढ़ा सकें। 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स ने उत्तर प्रदेश में अप्लाई करा एक प्यून की नौकरी के लिए, यानी 93,000 सुपर क्वालिफाइड लोगों ने एक ऐसी नौकरी के लिए अप्लाई करा जिसके लिए 5वीं पास होने की आवश्यकता थी। आई थिंक बिफोर लाइटिंग सही कर लेना चाहिए। ये कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है जो 30 दिनों में आपको इस ट्रैप से बाहर निकाल देगा या 6 महीने में आपको करोड़पति बना देगा। वो जो हसल वाला फेज है तुम उसको स्किप आउट करके जंप ऑन करना चाह रहे हो, यानी ये वाला फेज छोड़ दो, जल्दी से कुछ मिल जाए, वो वाला होता नहीं। और इसमें आपको अपने आने वाले 2 साल 3 साल या 4 साल भी देने पड़ सकते हैं, और इस दौरान आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है, और आपका दिमाग हर रोज आपसे यही कहेगा, अरे ठीक तो चल रहा था सब कुछ, क्यों खुद को इस ट्रैप से बाहर निकाले? जो जैसा चल रहा था उसको वैसे चलने देते, आराम से खाते और पीते, रील और शॉर्ट देखते और फिर सो जाते। वैसे भी एक दिन तो मरना ही है, और फिर क्यों फालतू की स्ट्रगल करनी? और भाई लाइफ में पैसा थोड़ी ना सब कुछ होता है, और आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप अपने दिमाग की ये बात बिल्कुल नहीं सुनोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने अपनी लाइफ की कंडीशन पर जीना है, अगर आपने अपनी लाइफ किसी और के भरोसे नहीं जीना है, तो आपको ये डिफिकल्टीज का सफर तय करना ही पड़ेगा। और अगर आप पूरी लगन से देते रहे, देन आई प्रोमिस यू ये फ्रेमवर्क आपको इस ट्रैप से बाहर निकालेगा जरूर। साल 1770 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था जिसने ग्लोबल इकोनॉमी को पूरी तरह से चेंज कर दिया, और जिसने इस बात को समझ लिया था वो आज वर्ल्ड की टॉप पोजिशन पर बैठे हुए है। और अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम लोग भी एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन के बीच में खड़े हैं। एवरीबॉडी इज ऑन इक्वल प्लेइंग फील्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और जिसने इस रेवोल्यूशन को महसूस कर लिया वो सब भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पर शायद आप इस रेवोल्यूशन को देख नहीं पा रहे हो, या फिर आप देख तो पा रहे हो लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हो। बट नॉट एनीमोर, अब आपको इस रेवोल्यूशन का फायदा उठाना है और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, देन अगले कुछ मिनटों में आपको साफ साफ दिखा देंगे, तो आप चल रहे हो ना मेरे साथ? ये जो आप देख रहे हो इसे पैरामिड कहते हैं। इस पैरामिड की मदद से जब हम ग्लोबल वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूशन मेजर करते हैं तो ये कहलाता है ग्लोबल वेल्थ पैरामिड। ये है टॉप ऑफ द पिरामिड। यहाँ पर मिलियनर्स, मल्टी मिलियनर्स और बिलियनर्स बैठे हुए हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 1.1% पीपल, यानी कि 59.2 मिलियन लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और पूरे वर्ल्ड का 45.8% वेल्थ इस 1.1% लोगों के पास है। एंड दिस इज द बॉटम ऑफ
पिरामिड्स, यानी कि जिन लोगों की पूरी संपत्ति मिलाकर भी 8 लाख से कम होगी। वर्ल्ड का 52.5% पीपल यानी के 2.8 बिलियन लोग यहीं पर बैठे हैं, और ये 52.5% लोग पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 1.2% वेल्थ पर जी रहे हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है राइट, पर आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। ये सब कुछ मैं बहुत पहले से सुन चुका हूँ, और ये सब कुछ आप मुझे अब बता रहे हो, इसीलिए तो मैं बोल रहा था इस वर्ल्ड का पूरा वेल्थ सिर्फ 1.1% लोगों के पास है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, यही सोच रहे हो ना। देन जो आप मैं आपको बताऊंगा वो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगा। पिरामिड के इस पार्ट को देखिए, यहाँ बैठे वो लोग जिनके पास 80 लाख से लेकर 8 करोड़ तक की संपत्ति है। साल 2016 में पिरामिड के इस हिस्से में वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन 36.5 करोड़ लोग बैठे थे, लेकिन सिर्फ 4 सालों में साल 2022 में ये नंबर 36.5 करोड़ से बढ़कर 64.2 करोड़ हो जाता है। यानी कि सिर्फ 4 सालों में 23 करोड़ लोग अपने आप को पिरामिड के सेकंड पोजीशन पर लाने में सक्सेसफुल रहते हैं, और अगर रिसर्च की माने तो ये नंबर अभी बहुत तेजी से बढ़ सकता है। यानी कि जब भी कोई इस पिरामिड की बात करता है वो टॉप ऑफ द पिरामिड 1% की बात करता है, या फिर बॉटम ऑफ द पिरामिड 52.5% की बात करता है, लेकिन किसी का भी ध्यान इस सेकंड पार्ट ऑफ द पिरामिड पर नहीं है। अभी के टाइम में देयर इज नो एक्सक्यूज। अगर कोई ये कह रहा है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो बस अगर फोन और इंटरनेट है और तब भी तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम। पर हमें फोकस करना है सेकंड पार्ट ऑफ द पिरामिड, और अगर हम सब थोड़ा सा और कॉन्शियस हो जाए तो इस पिरामिड के हिस्से को और बड़ा कर सकते हैं। लेकिन सवाल आता है, आखिर ऐसा क्या हुआ पिछले 4 सालों में जो 27 करोड़ लोग अपने आप को इस पिरामिड के लैब में लाने के लिए सक्सेसफुल रहते हैं। वेल, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल 1707 से लेकर 1740 के दौरान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, जिसके कारण वर्ल्ड इकॉनमी एग्रीकल्चर एज से इंडस्ट्रियल एज की तरफ शिफ्ट हो जाती है। जिनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल था उन्होंने पूरा फायदा उठाया। फॉर एग्जाम्पल एंड्रियो कार्गी, जिन्होंने स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से इतना पैसा कमाया कि आज हम उनको हिस्ट्री के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन के नाम से जानते हैं। जॉन डी रॉकफेलर, जिन्होंने ऑयल इंडस्ट्री से इतना पैसा कमाया कि वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन बन गए। थॉमस एडिसन और ना जाने कितने एग्जाम्पल है। और अभी हम एक न्यू रेवोल्यूशन के बीच में खड़े है, और इस रेवोल्यूशन का नाम है डिजिटल रेवोल्यूशन। यस आई एग्री इट स्टार्टेड इन 1990, बट उस वक्त सारे लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं था। और पता है डिजिटल रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी बात क्या है? इस रेवोल्यूशन का फायदा उठाने के लिए ना हमारे पास बहुत सारी कैपिटल होना चाहिए, ना ही हमारा किसी रिच फैमिली से होना जरूरी है। बिना पैसे का बहुत कुछ हो सकता है। जब ग्रोथकुल शुरू किया था तब लोगो बनाया था एक फ्री लोगो मेकर के साथ, वेबसाइट बनाया था वर्डप्रेस में, वो भी यूट्यूब में सीख के कैसे बनाना चाहिए, डोमेन खरीदा वो 1000 रुपए का डोमेन था, पोस्टिंग और 1000 रुपए का था, बस इतने ही चीजों से, सोशल मीडिया में कुछ नहीं था, इतने ही चीजों से ग्रोथ कुछ हुआ था। सुंदर नहीं था लेकिन टिकाऊ, हमें काम चल जाता था। जब पैसे बने तब इन्वेस्ट करके अच्छा करके। इस रेवोल्यूशन में खुद की किस्मत बनाने के लिए जरूरत है चाहत और स्किल की। एवरी डे जाने आप कितने एग्जाम्पल देख रहे होंगे, आपकी आंखों के सामने उन्होंने पिछले कुछ सालों में अपनी किस्मत को चेंज कर दिया, पर हमारा बिलीफ अभी भी वही रुका हुआ है कि अगर कुछ बड़ा करना है तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा, और हमारी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ, हमारे माँ बाप तो बहुत गरीब है। और इसका कारण बस एक ही है, आज तक स्कूल में, कॉलेज में, अपने घर पर हर रोज यही बात बोली जाती है, तुम्हें अगर लाइफ में सेटल होना पड़ेगा तो अच्छे मार्क्स लाकर जॉब करो। और हमारी जिंदगी का अल्टीमेट मकसद बस किसी तरह एक जॉब पाना बन जाता है, चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो। लेकिन बस अब वक्त आ चुका है खुद को चेंज करने का, खुद को रियलिटी दिखाने का। हमें भी खुद को उन 27 करोड़ लोगों में शामिल करना है। हम सब चाहते हैं कि लाइफ में रिच बन जाए, खूब सारा पैसा कमाए, लेकिन क्या हम अपने दिमाग को ये मैसेज दे रहे हैं? याद है एक दिन आप बस में खड़े होकर ट्रेवल कर रहे थे और बस ट्रैफिक में फंस जाती है, इतने में आपके सामने एक लग्जरी और खूबसूरत मर्सिडीज आकर खड़ी होती है। अब आप सच सच बताना, उस वक्त आपके दिमाग में क्या ख्याल आया था? आपको वो कार पसंद तो आती है लेकिन आप मन ही मन उस कार के मालिक के बारे में अपने दिमाग में गलत इमेज डालने लग जाते हो। जरूर इस कार का मालिक कुछ न कुछ गलत काम करता होगा। एक तरफ आपका सपना कि ये लग्जरी कार मेरी हो
होने चाहिए। दूसरी तरफ आप उसके ओनर के बारे में गलत इमेज डालना शुरू कर देते हो, लेकिन क्या आपका दिमाग आपको उसकी तरह बनने देगा? पर गलती आपकी नहीं है, हमारा दिमाग बचपन से ही वॉश किया जा रहा है कि आपको पसंद हो या ना हो आपको एक जॉब करनी पड़ेगी। पर हम सब जानते हैं 99% जॉब वाले लोग इस कार को नहीं खरीद सकते। आप 10 साल मेहनत करते हो एक जॉब के लिए जो आपको पसंद बिल्कुल भी नहीं है, क्या आप 5 साल अपनी पसंद के लिए नहीं लगा सकते? अब आप बोलोगे हम कुछ करना तो चाहते हैं पर हमारे मम्मी पापा हमें सपोर्ट ही नहीं करते। आप हर दिन 2 या 3 घंटे निकाल कर फोन देखते हो, क्या उसके लिए आपके मम्मी पापा आपको सपोर्ट करते हैं? नहीं ना। काम करने की बात आए तो बोलते हैं मम्मी पापा सपोर्ट ही नहीं कर रहे। थैंक यू वीडियो एंड तक वॉच करने के लिए, और हाँ इसका पार्ट 2 भी चलता आएगा।